आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डाउटनेट सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज पॉसिबल बिटवीन सब्सट्रेट एंड एंजाइम एट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फर्स्ट इज आयनिक बॉन्डिंग सेकेंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग थर्ड इज डाइपल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्थ इज वॉल इंट्रैक्शन सो चूज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें कहा है कि uh, जो एंजाइम है और सबस्टेट है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होती हैं वो इन चार स्टेट uh, uh, जो चार दे रखी हैं आयनिक बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन वॉल इंटरेक्शन इनमें से कौन सी हो सकती हैं ठीक है सो so, जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम सब सबस्ट्रेट साइट होती है मतलब जहाँ पे एंजाइम का एक्टिव साइट होती है एक्टिव साइट एक्टिव साइट क्या होती है जहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट क्या करता है बाइंड करता है सो so, ये जो बाइंडिंग होती है ये जो बाइंडिंग होती है बाइंडिंग इट मे बी Due to ionic bond, ionic bond, or hydrogen bond, hydrogen bond, or dipole dipole interaction, dipole dipole interaction, or it may also be van der Waals interaction, van der Waals interaction. सो so, जो हमारा एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उस पर सब स्टेट बाइंड जो करता है वो बाइंडिंग आइनिक बॉन्ड की वजह से भी हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी हो सकती है डायपोल डाइपुल इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकती है एंड बाइडर वॉल इंट्रैक्शन की वजह से भी हो सकती है सो so, जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डैट वुड बी ऑप्शन नंबर फोर डैट इज़ ऑल ऑफ दिस क्योंकि इनमें से आ, सारी ही टाइप की इंट्रैक्शन पॉसिबल हैं सो दिस वॉज दी एक्सप्लेनेशन थैंक यू सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा हो सकता आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर